पर एक खतरनाक सुपर बग का खतरा मंडरा रहा है। इस सुपर बग की इंडिया में भी एंट्री हो चुकी है, जिसका नाम है कैंडिडा ऑरिस। दिल्ली की डॉक्स में खतरनाक कैंडिडा ऑरिस मिला है। सावधान, दुनिया के लिए खतरा बताए जा रहे एक खतरनाक सुपर बग की भारत में भी एंट्री हो चुकी है। नाम है कैंडिडा ऑरिस। वैज्ञानिकों ने दिल्ली के लवारिस डॉक्स में कैंडिडा ऑरिस का पता लगाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को कैंडिडा ऑरिस डॉक्स में मिले हैं। जापान में आए पहले मामले के बाद अब कैंडिडा ऑरिस पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। एशिया पर भी इसका खतरा है और अब तो भारत में भी जानलेवा कैंडिडा ऑरिस मिला है। भारत में खतरे की एंट्री। दिल्ली के लवारिस कुत्तों में मिला है खतरनाक सुपर बग। चार कुत्तों में मिला है कैंडिडा ऑरिस। दिल्ली यूनिवर्सिटी और मैकमास्टर यूनिवर्सिटी का शोध। वैज्ञानिकों को डॉग्स के कान से मिला है कैंडिडा ऑरिस। दिल्ली के लवारिस कुत्तों में एक सुपर बग जो है वो पाया गया है और ये सुपर बग काफी खतरनाक है। इसको लेके WHO पहले भी अलर्ट कर चुका है। ये कैंडिडा ऑरिस सुपर बग है जो कुत्तों के कानों के नली में पाया गया है और एक शोध में पता चला है कि ये चार कानों में पाया गया है और ये आवारा कुत्तों में मिला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक भी बताया गया है, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा वायरस है जो कि फंगल बीमारियां पैदा करता है और ये चौथे नंबर पर WHO ने इसको लिस्ट किया है कि सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस है। तो सुना आपने कितना खतरनाक है कैंडिडा ऑरिस। लेकिन कैंडिडा ऑरिस आखिर है क्या और ये क्यों दुनिया के लिए खतरा है, आइए जानते हैं। क्या है कैंडिडा ऑरिस? फंगस की एक प्रजाति है कैंडिडा ऑरिस। कैंडिडा ऑरिस से गंभीर इन्फेक्शन का खतरा होता है। इंसानों में कैंडिडाइसिस इन्फेक्शन की वजह है। 2009 में जापान में आया था पहला मामला। जापान के बाद पूरी दुनिया में फैला कैंडिडा ऑरिस। अस्पतालों में कैंडिडाइसिस इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को खतरा है। एंटी फंगल दवाइयां इस पर बेअसर हैं। कैंडिडा ऑरिस का इन्फेक्शन जानलेवा है। WHO ने इसे क्रिटिकल प्रायोरिटी ग्रुप में घोषित किया है। दुनिया के लिए खतरा है कैंडिडा ऑरिस। दुनिया के लिए कैंडिडा ऑरिस बड़ी चुनौती है। इस पर एंटी फंगल दवाओं का भी असर नहीं है, ऐसे में ये और भी ज्यादा खतरनाक है। और अब डॉक्स में कैंडिडा ऑरिस मिलना भारत के लिए भी खतरा है।